नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीबी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ iOS 14.5.1 के प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गाइज कि इस अपडेट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें और प्रॉब्लम्स क्या हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन से रिलेटेड, एप्पल के अपडेट से रिलेटेड मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जो अपडेट है वो है स्टेबल वर्जन का iOS 14.5.1। मैं कोई बीटा वर्जन यूज़ नहीं करता हूँ, और एक नया मैंने फ़ोन लेने की सोची, आईफोन XR या फिर आईफोन 11। आप मुझे कमेंट में बताइए मैं कौन सा फ़ोन लूँ। उस पर मैं सिर्फ बीटा वर्जन के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो बीटा वर्जन यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से एक फ़ोन लेना चाहता हूँ गाइस, आईफोन SE 2 XR या फिर आईफोन 11, जिसमें मैं बीटा वर्जन ही यूज़ करूँगा और आप लोगों को अच्छे अच्छे टिप्स दिया करूँगा। सो यहाँ पे ये है 6S डिवाइस, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे गाइस आपको भी बता देता हूँ, इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। ये आईफोन 12 है गाइस, और मुझे इसमें, मैंने भी यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, जो अपडेट है वो है iOS 14.5.1, ये देख लीजिए गाइस। और यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है गाइस, यहाँ पे आप लोग नेटवर्क देख रहे हैं, सिर्फ दो आ रहे हैं, नेटवर्क का इशू आ रहा है गाइस, और इसमें मेरे फ़ोन में जो बैटरी का प्रॉब्लम है आईफोन 12 प्रो में वो भी आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है गाइस कि यहाँ पे मुझे इतना अच्छा बैकअप नहीं मिल रहा है। आप लोग देख लीजिए, इसका जो मेरा स्क्रीन ऑन टाइम है मात्र 3.5 घंटे, मतलब मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चलता रहता है कि इसका जो है बैटरी बैकअप थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है मेरे इस आईफोन 12 प्रो का गाइस। ठीक है गाइस, तो इसको हम रखते हैं साइड में। यहाँ पे हम बात करते हैं आईफोन 6S के बारे में, तो यहाँ पे बैटरी इशू आता है मुझे, लेकिन नेटवर्क इशू भी थोड़ा बहुत आता है। यहाँ पे गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं जियो का सिम मैंने इसमें डाला हुआ है iOS 14.5.1 के बाद, तो इसमें नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क का इशू आ रहा है तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले गाइस आप लोग देख लीजिए जो मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम क्या हुई है गाइस, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मेरे फ़ोन में जो बैटरी है उसकी प्रॉब्लम हो गई है गाइस। यहाँ पे अभी तक मेरी बैटरी हेल्थ 4% थी, लेकिन इस अपडेट करने के बाद मेरे फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है वो डायरेक्ट 2% कम हो गई है। अभी इसको मैं करीब दोस्तों 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, 10-15 दिन हो गए हैं, तो इसमें 2% जो बैटरी हेल्थ है वो मेरी कमज़ोर कम हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मात्र 2% बची है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे फ़ोनों में आ रही होगी, आईफोन 11 में, आईफोन 12 में तो नहीं आ रही होगी, लेकिन आईफोन 6S जो पुराने हैं उनमें बैटरी हेल्थ की जो नंबर्स थे वो कम हो गए, बैटरी हेल्थ काफ़ी कम हो गई है। तो ये एक एप्पल की तरफ से ही है दोस्तों, अब जितना है उतना ही रहेगा, इसको कोई ठीक करने का कोई सोल्यूशन है नहीं। अब एप्पल ने जितना कर दिया आपको उतने में यूज़ करना चाहिए। अभी आपको मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ गाइस कि आपको अगर बैटरी इशू आ रहा है आपके आईफोन 6S में तो उसको कैसे सॉल्व करें गाइस। सबसे पहले आप लोग अगर इसमें यूज़ कर रहे हैं iOS 14.5.1, तो अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क का इशू आ रहा है तो एक तो सोल्यूशन सबको पता होता है गाइस कि उसको आप जो है फ्लाइट मोड पर ऑन करके जो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को एक सोल्यूशन देने जा रहा हूँ गाइस, जो कि जुनून है और सच है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी गाइस करने में वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जाना है आपके फ़ोन की सेटिंग्स में, ऊपर से जाना है यहाँ पे जनरल में, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे आता है एक ऑप्शन रिसेट का, ठीक है, यहाँ पे आप रिसेट कर लीजिए। रिसेट आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग जो ऑप्शन आता है रिसेट नेटवर्क सेटिंग, ये ऊपर से 3rd नंबर पे ये आपको करना है। यहाँ पे आप जब करोगे आपका पासवर्ड डालना होगा, और आप पासवर्ड डालने के बाद उसको जो है कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या होगी गाइस, प्रॉब्लम ये होगी कि आपने इसमें जो वाईफाई के पासवर्ड डाल रखे हैं अपने, या फिर जो भी कोई पासवर्ड डाल रखे वही जो है यहाँ से नेटवर्क के जो है वो यहाँ से हट जाएंगे, आपको दोबारा से डालने पड़ेंगे। अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपको पासवर्ड मिल नहीं पाएगा तो आप इसको मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पासवर्ड दोबारा नया से डालना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम होगी और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात गाइस करते हैं यहाँ पे, अगर आपके फ़ोन में आईफोन 6S में बैटरी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज ही करते रहते हैं, दिन भर यूज़ कर ही नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। और ये प्रूफ के साथ देख लो दोस्त, अभी यहाँ पे 4 नेटवर्क थे और अभी एक नेटवर्क बचा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज गाइस यहाँ पर क्या करना है आपको, एक सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों, आप इसको फ्लाइट मोड पे ऑन कर सकते हो और इसको ऑफ कर दीजिए 2-3 सेकंड के बाद, ठीक है। तो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है छोटी मोटी ये यहाँ से सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे आईफोन 12 प्रो, यहाँ पे जब मैं इससे कॉल करता हूँ व्हाट्सएप पे हो चाहे नॉर्मल कॉल हो, तो वहाँ पे कटती रहती है, तो ये एक इशू है, ये आएगा जब इसका नेक्स्ट अपडेट आएगा तो
तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं बात करते हैं दोस्तों आईफोन 6s की बैटरी को लेकर के, यहाँ पे जो बैटरी इशू आ रहा है आप लोगों को उसको कैसे ठीक करें। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा गाइस, मैं एकदम सही बात बताऊँगा आपको। सबसे पहले आपको इसको 5 वाट के चार्जर से चार्ज करना है। चार्ज कब करना है, कितनी देर करना है और कैसे करना है आपको मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ गाइस। सबसे पहले आप वहाँ पे अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ में जाइए और अपनी चेक कीजिए कि उसकी बैटरी हेल्थ कितनी है। मान लीजिए मेरे फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 82% है, ठीक है गाइस। तो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है गाइस, देखिए मौसम हर जगह का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 40 के आसपास पहुँच रहा है। तो इस समय क्या होता है गाइस कि आपने फ़ोन को धूप में चार्ज करते हो या फिर कहीं ऐसी जगह पर चार्ज करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो तापमान है बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे आपको करना क्या है, बैटरी हेल्थ सबसे पहले चेक करनी है कि 82% है। तो उस दौरान आपको करना क्या है गाइस, कुछ दिनों के लिए करना है, मैं लाइफ टाइम के लिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप फ़ोन को यूज़ ही नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी बैटरी ही नहीं चल पाएगी। जितनी बैटरी हेल्थ हो मैं तो सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस टाइम पे थोड़े दिन तक, कम से कम 10-15 दिन आप उसको बैटरी जो है 80% तक ही चार्ज कीजिए और उसको 5 वाट के चार्जर से चार्ज कीजिए। कोशिश कीजिए गाइस कि आपका फ़ोन जो है ज़्यादा धूप में, ज़्यादा जहाँ तापमान हो ऐसी जगह पे ना हो। आप ऐसी जगह अपने फ़ोन को रखिए जहाँ पे तापमान कम हो, मौसम थोड़ा ठंडा हो, वहाँ पे अपने फ़ोन को चार्ज करें। इससे क्या होगा गाइस कि जो बैटरी है वो मेंटेन रहेगी और ओवरहीट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी गाइस मैंने ये नया फ़ोन लिया था आईफोन 12 प्रो, तो ये 80% के बाद चार्ज ही नहीं होता था। क्यों नहीं होता था गाइस, आपको मैंने बताया था कि इसकी जो बैटरी हेल्थ है, एप्पल का ये अपना खुद का एक जो है अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर है जो कि बढ़िया चीज़ है कि आपके आईफोन की जो बैटरी है उसको मेंटेन करने के लिए वो ज़्यादा चार्ज नहीं करता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख के भी आता है, ऐसा भी लिख के आता है, आप लोग पढ़ सकते हो, टू रिड्यूस बैटरी एजिंग आईफोन लर्न्स फ्रॉम योर डेली चार्जिंग रूटीन सो इट कैन वेट टू फिनिश चार्जिंग पास्ट 80% अनटिल यू नीड टू यूज़ इट। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो गाइस कि इसको जो है 80% से ज़्यादा नहीं चार्ज करना है, आप अपने आईफोन को 80% तक ही चार्ज कीजिए, ठीक है गाइस। दूसरी बात क्या है, इसको जब ये पूरा खाली हो जाया करेगा ना, 10% के नीचे आ जाया करें, तब अपने उसको चार्ज कीजिए और एक बार ही चार्ज कर लीजिए और बार बार चार्ज मत कीजिए कुछ दिनों तक, जब तक ये अपडेट है। और नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आएगा ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जो अपडेट था iOS 14.5.1 ये मेन दोस्तों अपडेट था सिक्योरिटी को लेकर के। और जानते हैं आप लोग कि कितनी सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं, व्हाट्सएप की भी हालत ख़राब चल रही है, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गाइस एप्पल ये कदम उठाया। और यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे मैंने अभी इसको फ्लाइट मोड पे किया था, यहाँ पे नेटवर्क जो है सारे के सारे आ गए। तो ये जो चीज़ें हैं यही जो प्रॉब्लम 2-3 आ रही थी आईफोन 6s में यही आ रही थी। तो अपने आपको मैंने बता दिया आपको क्या करना है, बैटरी हेल्थ के मामले में आपको क्या करना है और नेटवर्क का इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो आप दो चीज़ें कीजिए और यही दो प्रॉब्लम जो है आईफोन 6s के लिए आ रही, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं आईफोन 12 प्रो को उसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, क्योंकि वो नेटवर्क का इशू उसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। हालांकि दोस्तों इसमें जो है सिम है वो एयरटेल का यूज़ हो रहा है, लेकिन इतना भी कमज़ोर एयरटेल का नहीं, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट, उसमें नेटवर्क बहुत अच्छा आता है, लेकिन आईफोन 12 प्रो में उतने अच्छे नेटवर्क नहीं आते। तो आप लोगों से एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा गाइस, मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया है कि मैं एक बीटा वर्जन के लिए फ़ोन लेना चाहता हूँ, या फिर आईफोन SE लूँ, XR लूँ या फिर 11 लूँ, आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों के पास कौन सा डिवाइस है एप्पल का, आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसी हिसाब से और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि एप्पल के अपडेट से रिलेटेड, आईफोन 6s से रिलेटेड, आईफोन 12 प्रो से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूं। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।